हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जब हम गूगल क्रोम पर कुछ भी सर्च करते हैं तो कभी कभी स्लो स्पीड की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को फास्ट और सिक्योर बना सकेंगे। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को फास्ट करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ऐप को ओपन करें। ओपन करते ही इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप ऊपर की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नज़र आ रहे थ्री डॉट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो आप नीचे की ओर ही नज़र आ रहे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप नीचे की ओर ही नज़र आ रहे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो आप सबसे ऊपर की ओर नज़र आ रहे क्लियर ब्राउजिंग डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप ऊपर की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे लास्ट आवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इनमें से आप अपने अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। जैसे कि इनमें से देख सकते हैं लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स, ऑल टाइम। इनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं लास्ट आवर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आप नीचे की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से बहुत सारा देख सकते हैं वेबसाइट आ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने जो लास्ट आवर जो सर्च किया था वो डाटा हिस्ट्री यहाँ पर नज़र आने लगा है। तो इसे क्लियर करने के लिए नीचे की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे क्लियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आप नीचे की ओर नज़र आ रहे ओके गेट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से डेटा क्लियर हो जाएगा। और एक बात बता दूं दोस्तों, जितना पुराना डेटा आप क्लियर करेंगे आपका ब्राउज़र उतना ही फास्ट होगा। सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को फास्ट और सिक्योर बना सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।